जी हाँ दोस्तों, तो वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हमारी भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के इस पहले मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और इस प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया टीम के भी पसीने छूट गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम से वनडे सीरीज हारने के बाद अब वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया से पहला मुकाबला हारने से डर रही है। तो दोस्तों, बताएंगे आपको कि आखिर वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को कुचलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने किन किन खतरनाक और भूखे शेरों को मौका दिया है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर रख दे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जा रहा है, जो कि 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने वर्ल्ड कप के सफर की शुरुआत 8 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करने वाली है। दोस्तों, बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम पर भारतीय समय अनुसार दोपहर में 2 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी मुकाबला खेला जाता है, तो बेहद ही कांटे का और हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। और जैसा कि अभी हाल ही में दोनों टीमों के बीच खेली गई वनडे सीरीज में भी हमने देखा कि किस तरह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी तीसरे मैच में वापसी करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी और अपने प्रदर्शन से बता दिया था कि वो भी कोई कमजोर टीम नहीं है। और ऐसे में वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में भी हमें इन दोनों टीमों के बीच बेहद ही खतरनाक और रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम पर खेला जाएगा, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि दोस्तों इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एम चिदम्बरम स्टेडियम पर 6 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। और भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पर हमेशा भारी पड़ती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में अब तक 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारतीय टीम सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई है। और अगर वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ओवरऑल मुकाबलों की बात करें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप में कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं भारतीय टीम सिर्फ 4 मुकाबले जीत पाई है। और इसी को देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चिपॉक स्टेडियम की पिच स्पिनर को काफी ज्यादा मदद करती है, और इस पिच पर काफी ज्यादा टर्न देखने को मिलता है। भारतीय टीम के पास जहां रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास भी एडम जंपा, एस्टन एगर और ग्लेन मैक्सवेल हैं। ऐसे में भारतीय टीम को काफी संभल कर खेलना होगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन दिखाना होगा, तभी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम में क्या बड़ा बदलाव किया है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी की बात करें, तो महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल से पारी की शुरुआत करवाने का फैसला किया है। और दोस्तों, ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज फिलहाल जबरदस्त फॉर्म में है, और इस साल इन दोनों बल्लेबाजों ने ओपनिंग करते हुए 1900 से ज्यादा रन बनाए हैं। दोस्तों, बता दें कि दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग बैटल में आकर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। और ऐसे में इस मुकाबले में भी ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अभी बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। और ऐसे में इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल पर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें, तो दोस्तों तीसरे नंबर पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, विराट कोहली एक मैच विनर खिलाड़ी है, और अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतना है, तो विराट कोहली का बल्ला चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ अपने दम पर भारतीय टीम को मैच जिताकर दे सकते हैं। और दोस्तों, कोहली अभी शानदार फॉर्म में भी है, जबकि दोस्तों चौथे नंबर पर धोनी ने केएल राहुल को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों, चौथे नंबर पर केएल राहुल जब भी खेलते हैं, तो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए धोनी ने श्रेयस अय्यर को बाहर करके चौथे नंबर पर केएल राहुल को खेलने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों धोनी ने ऑलराउंडर के तौर पर पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया है, जो कि अपनी गेंद और बल्ले से धमाल मचाएंगे। जबकि दोस्तों नंबर 6 पर खतरनाक फिनिशर सूर्यकुमार यादव खेलने के लिए आएंगे। दोस्तों, ओडीआई में सूर्यकुमार यादव का बल्ला कम ही चलता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए ओडीआई सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया था, उसे देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव को खेलने का मौका दिया है। और धोनी को पूरी उम्मीद है कि इस मुकाबले
मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। जबकि दोस्तों नंबर 7 पर एक और खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया है, जो कि अपने बल्लेबाजी के अलावा अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूती देंगे। जबकि दोस्तों वर्ल्ड कप के इस मुकाबले के लिए दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को खेलने का मौका दिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं, और उनका साथ निभाने के लिए कुलदीप यादव को भी शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिच को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 3 स्पिनर्स को खिलाने का फैसला किया है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका दिया है। तो दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।